बॉस के घर में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट प्रियंका चहर चौधरी पे साधा ऐसा निशाना कि प्रियंका ने दिया मुंह तोड़ जवाब। चलिए आज के इस वीडियो में आपको ही बताते हैं कि कैसे बिग बॉस के फिनाले वीक से पहले किस कंटेस्टेंट पे साधा गया निशाना, क्या हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस कंटेस्टेंट को बता गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस कंटेस्टेंट को बता दिया गया है टॉप टू फिनाले कंटेस्टेंट। तो ये वीडियो ना बहुत खास होगी फिनाले के विनर और फिनाले के टॉप टू कंटेस्टेंट्स के लिए भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों बिग बॉस के घर में आ चुके हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें ऑडियंस ने और जनता ने जो सवाल दागे हैं वो अब सवाल मीडिया कर्मी पूछने जा रहे हैं बड़े बड़े कंटेस्टेंट से। पांचों कंटेस्टेंट से कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा है शिव ठाकरे को साइडलाइन किया गया है। वो शिव ठाकरे जिनको अब तक ये कहा जा रहा था कि टॉप टू के दावेदार है, प्रखर दावेदार है, इवन दो कि उनको ट्रॉफी की भी दावेदारी बताई गई थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव को साइडलाइन किया गया है। मंडली को नहीं, नॉन मंडली से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे खास बात है भाई, प्रियंका ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। प्रियंका चहर चौधरी हाजिर जवाबी हैं और प्रियंका ने यहाँ पे भी साबित कर दिया मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है। वेल शालिन ने भी सबको शॉक किया है, शालिन ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से शिव को साइड करके एमसी स्टैंड को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि बिग बॉस के फिनाले जो होने वाला है उसमें दो बड़े कंटेस्टेंट होंगे, वन एंड ओनली नंबर वन पे प्रियंका तो दूसरे पे एमसी स्टैंड ना हो जाए। वेल आपको क्या लगता है, क्या टॉप टू एमसी और प्रियंका के बीच होना चाहिए या फिर आप समझते हो कि टॉप टू शिव और प्रियंका होना चाहिए? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।